मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां 24 फरवरी से पहले केंद्रीय सहायता के लाभार्थी किसानों की सूची तैयार कर केंद्र को भेज देगा, ताकि आचार संहिता से पहले केंद्रीय सहायता की पहली किस्त किसानों के खाते में आ सके। मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष द्वारा किसानों को केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है और 5 एकड़ से कम भूमि के मालिक किसानों को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी। ये स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम है, कोई हरियाणा सरकार की स्कीम नहीं है। और केंद्र सरकार की स्कीम में जो उसके ऊपर राइडर्स लगाए गए हैं, पहला राइडर तो ये है कि 5 एकड़ से ज़्यादा के जो किसान हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। दूसरा राइडर ये है कि ये केवल जो किसान स्वयं भू मालिक हैं ये केवल उनके लिए है, और हम जो मान के चलते हैं बाकी किसान जिसके अंदर जो भू मालिक नहीं है, काश्तकार हैं, उनकी संख्या ऐसे मानते हैं, ये उसमें अभी नहीं है। आगे चल करके कुछ सुधार होने होंगे तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन आज जो है वो इसी प्रकार से है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने भी नामों से एग्रीकल्चर लैंड जिन लोगों के पास है उसमें, और तीसरा इसमें जो 18 साल से कम आयु के नामों के नाम जो ज़मीन है वो भी इसमें नहीं है, वो परिवार की जो टोटल ज़मीन है वो इसके अंदर काउंट की जाएगी। तो इस प्रकार अभी उन सब नामों को रेवेन्यू रिकॉर्ड से तस्दीक करके और उन नामों को भेजा जा रहा है। आने वाली 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी इसके वितरण का काम वो शुरू करा देंगे, और मैं समझता हूँ इस महीने के अंदर अंदर आचार संहिता से पहले पहले इन सब किसानों को जिनके नाम, और मैं समझता हूँ हरियाणा शायद इस सूची को तैयार करके देने वाला सबसे पहला राज्य होगा कि 24 से पहले पहले हम ये सूची दे देंगे, और ये 2000 रुपया आचार संहिता से पहले पहले हर एक किस्त जो है 3 किस्त में से ये हर एक उस किसान के खाते में चली जाएगी। फिर भी सूची के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो अगली किस्त उनकी उसके साथ मिला करके दूसरी किस्त के साथ आएगी।